नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका। अलीगढ़ के एक क्लास में एक नर्स ने एक डॉक्टर पर प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। डॉक्टर लोगों की पीड़ा दूर करता है, इसीलिए उसे भगवान की तरह माना जाता है। पर यहाँ तो इसके उल्टा ही हुआ। एक डॉक्टर ने दर्द ही दे दिया और वो भी एक नर्स को। दरअसल डॉक्टर ने नर्स को प्रेम जाल में फंसाकर एक ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी। इगलास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर पंकज शर्मा ने पूनम नाम की एक नर्स को पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी की और अब धोखा देकर रफू चक्कर हो गया। संविदा पर तैनात नर्स का आरोप है कि पंकज ने उससे शादी की और फिर कुछ दिनों बाद ही रफू चक्कर हो गया। इसी के साथ पूनम का कहना ये भी है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि समाज में अब उसे कोई सम्मान नहीं देगा। फिलहाल पुलिस ने बल्लभगढ़ के रहने वाले पंकज शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और तलाश में जुट गई है। अलीगढ़ से अभिषेक माथुर की रिपोर्ट। डकैतों और खतरनाक बीहड़ के लिए मशहूर चंबल अब जीव जंतुओं और जानवरों के लिए मशहूर होता जा रहा है। दरअसल चंबल कछुओं, मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए एक बड़ा प्रजनन का केंद्र बनता जा रहा है। चंबल जो अभी तक सिर्फ डकैतों और खतरनाक बीहड़ के लिए मशहूर था, लेकिन वो अब जलीय जीवों के प्रजनन के लिए भी मशहूर होता जा रहा है, जो देश के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। जलीय जीवों का कुनबा बढ़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सपनों की उम्मीदों को भी पंख लगते जा रहे हैं। चंबल सेंचुरी में स्थापित घड़ियालों का ब्रीडिंग सेंटर एक और पायदान चढ़ने लगा है, जो आगे जाकर चंबल के पर्यटकों के लिए एक नया केंद्र साबित होगा। इन दिनों चंबल में मगरमच्छ और घड़ियालों की नेस्टिंग शुरू हो गई है। मादा मगरमच्छ नदी के किनारे बालों में अंडे दे रही हैं, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने इन अंडों की रखवाली शुरू कर दी है। कर्मचारी अंडों के नेस्ट को लोहे की जाली से कसकर उन्हें जंगली जानवरों से बचाने के लिए दिन रात उन पर नजर रखते हैं। वहीं नेस्टिंग के प्रथम चरण में वन विभाग के कर्मियों को रेहा, करकोली, पिनाहट, विप्रावली, उमरेठा और क्योरी में करीब 18 घड़ियाल और मगरमच्छों के नेस्ट मिले हैं, जिन्हें देखकर विभाग कर्मी फूले नहीं समा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल मादाओं द्वारा ज्यादा संख्या में अंडे देने की बात कही जा रही है। चंबल में नेचुरल हैचिंग होने से वन विभाग इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर चल रहा है। वहीं मादा घड़ियाल और मगरमच्छ नेस्टिंग के दौरान काफी आक्रामक भी हो रही हैं। दरअसल मादाएं नदी किनारे बालू में गड्ढा खोदकर अंडे दे रही हैं। ऐसे में अंडों के पास कोई भी व्यक्ति या जानवर पहुंच जाए तो वो आक्रामक होकर उन पर हमला बोल देती हैं। दरअसल दुनिया भर से घड़ियालों की प्रजाति विलुप्त सी होती जा रही है और ऐसे में उनकी प्रजाति को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण वन विभाग भी इनके अंडों को लेकर काफी सतर्क है। वहीं चंबल में इनका कुनबा दिनों दिन लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि घड़ियाल और मगरमच्छ की नेस्टिंग करीब 20 से 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। आगरा से कुशल शर्मा की रिपोर्ट। आगरा में कुछ मुस्लिम लड़कियों ने नवरात्र के उपवास रखकर हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल पेश की है। जहां देश में नेता वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिमों को धर्म के नाम पर बांटते रहते हैं, कभी देश में असहिष्णुता बताकर तो कभी भारत माता की जय ना बोलने पर राजनीति करते हैं। वहीं आगरा जनपद के थाना खेड़ा राठौर के गोहरा में मुस्लिम परिवार की चार लड़कियों ने मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए धर्म निरपेक्षता की मिसाल कायम की है। नफीसा नाम की इस लड़की ने नवरात्र में माँ दुर्गा के उपवास रखकर उनकी पूजा की और हिंदू मुस्लिम की एकता में दरार डालने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है। ये मुस्लिम लड़कियां हिंदू रीति रिवाज से देवी माँ के लिए नव दुर्गा व्रत उपवास रखकर मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि मुस्लिम होने के बावजूद इनके परिजनों को इससे कोई एतराज नहीं है। गोहरा नाम के इस गांव में हिंदू सहेलियों के साथ चारों मुस्लिम समुदाय की लड़कियां माता की भेंट के साथ अखंड ज्योति जलाकर माता की वंदना भी करती हैं। आपको बता दें कि ये लड़कियां हर साल इसी तरह माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करती हैं और उपवास भी रखती हैं। वहीं गांव के बशीर खान का कहना है कि हिंदू मुस्लिम के तीज त्योहार एक साथ मनाने से
एकता की डोर और भी मजबूत होती जाती है और हमें इससे कोई एतराज नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इस गांव में मजहब के नाम पर कभी कोई झगड़ा नहीं होता। गोरा नाम के इस गांव ने हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल पेश की है। आगरा से कौशल शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अगले साल होने वाले चुनावों में बीजेपी ने पिछड़ा कार्ड खेलते हुए सांसद केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। लोकसभा चुनावों के दौरान जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो सवाल उठे थे कि एक चाय बेचने वाला देश का पीएम कैसे बन गया, और अब बिहार में विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चाय बेचने वाले पर ही बाजी लगाई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य कभी अपने पिता की चाय की दुकान संभालते थे और साथ ही अखबार भी बेचने का काम किया करते थे। लोकसभा 2014 के चुनावों में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद देश के कुछ प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त ही हासिल हुई। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की लगाम एक ऐसे शख्स को सौंपी गई है जो एक समय में चाय बेचता था। केरल के कोल्लम जिले के पुत्तिनगल मंदिर में रविवार सुबह 3 बजे भीषण आग लग गई थी, जिसमें करीब 112 मौतें हुई और 400 से अधिक लोग घायल हो गए। रविवार सुबह 3 बजे थे, कोल्लम के पुत्तिनगल मंदिर में उत्सव चल रहा था कि अचानक देखते ही देखते बिल्डिंग में आग लग गई, वो भी उस बिल्डिंग में जहां आतिशबाजी की चीजें और पटाखे रखे थे। विस्फोट के बाद ये इमारतें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं। दरअसल केरल में पारंपरिक रूप से इस उत्सव में प्रथाओं की समाप्ति के बाद आतिशबाजी की जाती है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस भीषण आग के चलते हुए हादसे में 112 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना गोदाम कंबापुरा में चिंगारियां गिर जाने पर हुई है, जिसके कारण तड़के 3 बजे भारी आवाज के साथ भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट की आवाज 1 किलोमीटर के दायरे तक सुनी जा सकती थी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बिजली आपूर्ति के ठप हो जाने के कारण पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और लोग इधर से उधर भागने लगे। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह रात के समय धुएं का गुबार उठा और कंक्रीट के परखच्चे उड़कर दूर दूर तक जा गिरे। कोल्लम के पास स्थित पुत्तिनगल देवी मंदिर में आग लगने की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री बाद में घायलों को देखने कोल्लम जिला अस्पताल भी गए। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी घायलों से मुलाकात की। वहीं केरल के सीएम चांडी ने घोषणा की है कि मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मंदिर प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं केरल पुलिस ने 5 लोगों की पहचान की है जो लोग मंदिर परिसर में आतिशबाजी करने में शामिल थे। केरल के डीजीपी ने सोमवार सुबह बताया कि आतिशबाजी के लिए जिम्मेदार 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है। मंदिर के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से मंदिर प्रशासन के लोग गायब हो गए हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार टाइम 24 के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।